तो इस वीडियो में आपको हुआवे के सब ब्रांड हॉनर के नए स्मार्टफोन हॉनर भी 20 के बारे में बताने वाला हूँ। तो हॉनर ने अपने नए स्मार्टफोन हॉनर भी 20 को चाइना में लॉन्च कर दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है हॉनर भी 20, इसे ग्लोबल मार्केट में हॉनर व्यू 20 के नाम से लाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये जो स्मार्टफोन है हॉनर व्यू 20, इसे लॉन्च के एक दिन बाद ही अमेजोन इंडिया पर लिस्ट कर दिया गया है। तो अगर आप अमेजोन इंडिया पर जाकर नोटिफाई मी पर क्लिक कर रजिस्टर कर लेते हो, तो जब भी ये जो स्मार्टफोन ये प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है इसे ग्लोबली नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के मंथ में लॉन्च करा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये एंड्रॉइड 9.0 एंड्रॉइड पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा, जो कि बेस्ट है मैजिक यूआई पर। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमें किसी भी तरह का नॉच नहीं देखने को मिलता है, बस इसमें हमें एक पंच होल देखने को मिलता है जिसमें फ्रंट कैमरा जो है उसे प्लेस करा गया है। साथ ही नीचे की तरफ हमें एक छोटा सा चिन्ह देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन ये पूरी तरीके से एक तरह से बेजललेस है। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हमें 7 नैनोमीटर का ऑक्टाकोर कीरिन 980 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर ये अभी का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है हुआवे का। साथ ही ये जो प्रोसेसर ये काफी बेटर प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 845 के। साथ ही कीरिन 980 प्रोसेसर के कारण ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही बैटरी का जो भी कंजप्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन इसे दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है और पहला जो वेरिएंट है वो 6GB के रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट है वो 8GB के रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें किसी भी तरीके का माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे को लेकर। तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि AI बेस्ड कैमरा है। साथ ही इसके प्राइमरी कैमरे से हम 960fps की स्लो मोशन में वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 25MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसे कि एक पंच हॉल में प्लेस करा गया है। और लास्ट बात करते हैं इसके बैटरी को लेकर। तो इसमें हमें 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो ये जो स्मार्टफोन है इसे फिलहाल ग्लोबली लॉन्च नहीं करा गया है, इसे फिलहाल चाइना में ही लॉन्च करा गया है और जो भी प्राइस है वो चाइना के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। तो इस वीडियो में आपको चाइना में जो प्राइस रखी गई है उसी प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। और आई होप जब भी ये स्मार्टफोन ग्लोबली मार्केट में लॉन्च हो तब भी इसका प्राइस जो है वो इसी के आसपास रहे। तो प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी जो कीमत है वो 30,400 रुपए के करीब रखी गई है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट है वो 8GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और उसकी जो कीमत है वो 35,500 रुपए के करीब रखी गई है। साथ ही इसका जो हायर वेरिएंट है जो कि 8GB की रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है उसकी जो कीमत है वो 40,600 रुपए के करीब रखी गई है। तो ये था हॉनर के नए स्मार्टफोन हॉनर V20 को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये जो स्मार्टफोन ये देखने में कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।